इंडिगो की उड़ान में आज सुबह तब हड़कंप मच गया जब यह सूचना मिली कि विमान में बम रखा हुआ है। आनंद फानन में विमान की आपातकालीन लैंडिंग लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करवाई गई और इस बीच दिल्ली से देवघर जा रहे यात्रियों का बुरा हाल हो गया। हालांकि आपातकालीन लैंडिंग के बाद जब विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया तो ये पाया गया कि जांच में मिली सूचना अफवाह है और इसके बाद विमान को रवाना कर दिया गया। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि इस तरह की परिस्थिति में इस्तेमाल होने वाला आइसोलेशन बे क्या है, इमरजेंसी लैंडिंग कब और क्यों कराई जाती है, साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग कितने प्रकार की होती है, यही जानेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइसोलेशन बे हाईजैक या बम के खतरे जैसी आपात स्थिति का सामना करने वाले विमान के लिए बनाया गया एक विशेष पार्किंग स्थान होता है। यह बे आमतौर पर हवाई अड्डे के एक दूरस्थ खंड में स्थित होता है ताकि खतरे को एयरपोर्ट से दूर रखा जाए और नियमित संचालन इससे बाधित ना हो। जहां तक इमरजेंसी लैंडिंग की बात है तो खास परिस्थितियों में तय समय और स्थान से पहले ही जब विमान को किसी और एयरपोर्ट पर या किसी और जगह पर उतार दिया जाता है तो इसे इमरजेंसी लैंडिंग कहा जाता है। इसके अलावा विमान के खराब होने या किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाने की स्थिति में भी कई बार इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। जहां तक सवाल इमरजेंसी लैंडिंग के प्रकार की है तो इमरजेंसी लैंडिंग तीन तरह से होती है। इनमें सबसे पहला प्रकार है फोर्स्ड लैंडिंग, दूसरा प्रकार है प्रिकॉशनरी लैंडिंग और तीसरा प्रकार है डिचिंग लैंडिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोर्स्ड लैंडिंग को इमीडिएट लैंडिंग कहा जाता है जिसमें विमान ज़्यादा समय तक उड़ाने की स्थिति में नहीं होता है। इस स्थिति में जल्द से जल्द फ्लाइट को लैंड करवाया जाता है और यह स्थिति इंजन में आने वाली दिक्कत की वजह से होती है। इस सिचुएशन में जल्द से जल्द फ्लाइट को ज़मीन पर लाए जाने की कोशिश की जाती है। दूसरा प्रकार है प्रिकॉशनरी लैंडिंग। इस तरह की लैंडिंग में फ्लाइट को उड़ाया तो जा सकता है लेकिन इसकी सलाह नहीं दी जाती है। प्रिकॉशनरी लैंडिंग में जैसे मौसम में गड़बड़ी, फ्यूल शॉर्टेज, विमान में कोई हल्की दिक्कत होने की वजह से की जाती है। हालांकि प्रिकॉशनरी लैंडिंग में ज़्यादा खतरे के चांसेस नहीं होते हैं। जबकि तीसरा प्रकार है डिचिंग लैंडिंग। ये लैंडिंग काफ़ी रेयर होती है, इस तरह की लैंडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। ये लैंडिंग एयरपोर्ट रनवे पर नहीं बल्कि पानी में करवाई जाती है। जब विमान क्रैश करने की स्थिति में होता है तो इस स्थिति में विमान को पानी में उतारा जाता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे चर्चित एग्जाम्पल है साल 2009 का, जब US एयरवेज फ्लाइट 1549 को हडसन नदी में उतारा गया था और 155 लोगों को बचाया गया था जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे। इस पर आपने टॉम हैंक द्वारा अभिनीत फिल्म सली मिरेकल ऑन द हडसन भी देखी होगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें।